नमस्कार दर्शकों, हेल्थ फोर्टनाइट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। हाल ही के दिनों में आपने एक समाचार देखा होगा जिसमें पूर्व ब्रिटिश फुटबॉलर डेविड बेकहम ने ये कहा है कि वे OCD से पीड़ित हैं और इस बीमारी के चलते वे घंटों अपने घर में काम करते रहते हैं, चीज़ों को जमाते सजाते रहते हैं, जिससे वे काफ़ी थक जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह डिसऑर्डर इस तरह उन पर हावी है कि जब रात के समय घर के सारे सदस्य सोने चले जाते हैं तभी वे घर में टहल रहे होते हैं, लाइटों की सेटिंग कर रहे होते हैं, कपड़ों को गिन करके जमा रहे होते हैं, पुस्तकों को ठीक कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि जो भी घर के सामान उनको व्यवस्थित कर रहे होते हैं। उन्हें इस बात से नफरत है कि जब वे अगले दिन सोकर उठें तो उनका घर अव्यवस्थित हो। उनकी दर्द झेलने की लत के चलते वे अपने शरीर पर काफ़ी टैटू भी बनवा चुके हैं। तो मित्रों, ये समस्या किसी को भी हो सकती है, तो आइए आज इस समस्या के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक रोग है और इस रोग के तहत व्यक्ति को एक ही विचार बार बार मन में आता है, वे एक ही तरह की क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अच्छी तरह से मालूम होता है कि बार बार किसी चीज़ को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वे अपने आप से मजबूर होते हैं और इस क्रिया को किए जाते हैं। यह समस्या ज़्यादातर किशोरावस्था और युवाओं में देखी जाती है। ज़्यादा साफ सफाई करना, चीज़ों को बार बार गिनना और बार बार हाथ धोना इस समस्या के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस समस्या के पीड़ित व्यक्ति कभी कभी कुछ शब्दों को दोहराते रहते हैं, कुछ नंबरों के को अपने मन मन में दोहराते रहते हैं। साथ ही कभी वो कंधे उचकाते हैं, कभी अपनी गर्दन को झटके देते हैं, कभी गले से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, कभी ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को सूंघने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें वे करते रहते हैं जो कि इस बीमारी के लक्षणों के अंतर्गत आती हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग अचानक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कभी उनके अंदर अपराध बोध आ जाता है, कभी कभी वे काफ़ी चिंताग्रस्त भी दिखाई देते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अपने घर में बार बार जाकर के ये चेक करते हैं कि दरवाज़ा उन्होंने ठीक से लगाया है कि नहीं, खिड़की उन्होंने ठीक से लगाई है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस की नॉब खुली रह गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर के कुछ सामान या जो बिजली के उपकरण हैं वो चालू छोड़ दिए गए हों। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो ये बात को दर्शाती हैं कि वो व्यक्ति OCD से पीड़ित है। आइए अब इसके बाद बात करते हैं कि ये बीमारी होने के कारण क्या हैं। तो मोटे तौर पर जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है उसके तहत जो जानकारी निकल के आई है उसमें तीन कारणों को उन्होंने जिम्मेदार माना है। हालांकि इन कारणों के बारे में वैज्ञानिकों का शोध अभी भी जारी है और वे अभी तक पूरी तरह से किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। तो पहला कारण है जेनेटिक्स। जिनके परिवार में OCD की हिस्ट्री रहती है वे इस बीमारी से ग्रसित होने के लिए ज़्यादा रिस्क में होते हैं। नंबर दो पर आता है ब्रेन का स्ट्रक्चर यानी आपके दिमाग की संरचना। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जिन व्यक्तियों में OCD है उनका जो दिमाग का आकार प्रकार है वो सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कुछ भिन्न दिखाई देता है। हालांकि वे अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि वाकई में ये जो दिमाग की संरचना है वो OCD की वजह से ही है। इस पर रिसर्च अभी जारी है। नंबर तीन पर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी आपका परिवेश। इस परिवेश के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने कुछ शोध किए हैं जिससे ये नतीजे निकल के सामने आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी बच्चे को बचपन में किसी ट्रामा से गुजरना पड़ जाता है तो उसके दिमाग पर जो गहरा असर पड़ता है उसकी वजह से भी ये OCD होने की संभावना हो सकती है। आइए अब बात करते हैं इस बीमारी के इलाज के बारे में। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं आया है, लेकिन कुछ दवाओं और जो साइकोथेरेपी है उसके जरिए ये बीमारी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। ये कहा जाता है कि बीमारी आजीवन चलती है, लेकिन ये है कि दवाओं और साइकोथेरेपी या दोनों के कॉम्बिनेशन के जरिए इस बीमारी को काफ़ी हद तक काबू किया जा सकता है। अभी वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर ही रहे हैं कि इस बीमारी को किस तरह से डायग्नोस जल्दी किया जा सके और इसका इलाज पूरा किया जा सके। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।